तमिल के पांच महाकाव्य में से दो बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे और उसका नाम था शीलप्पदिकारम और मणिमेखलय। दोस्तों, शीलप्पदिकारम की कहानी को जो व्यूवर्स की तरफ से हमें प्यार मिला, उससे प्रेरित होकर आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं शीलप्पदिकारम का ही अगला भाग, जो कि मणिमेखलय नाम से प्रसिद्ध है और ये एक लव स्टोरी है। दोनों ही कहानियां बहुत ही प्यारी है, तो चलिए शुरू करते हैं मणिमेखलय। इसके रचयिता को सितलई सतनार नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि ये कहानी छठी शताब्दी ईस्वी की रही होगी। दोस्तों, आज हम इस कहानी की बस शॉर्ट स्टोरी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही लंबी कथा है जिसमें 4861 पंक्तियां हैं। इसलिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि बहुत कम समय और कम शब्दों में एक बहुत ही अच्छा आउटपुट, एक क्वालिटी कंटेंट आपको दे सके। शीलप्पदिकारम की प्रसिद्ध कथा में जो पात्र थे कोवलन और माधवी, उनकी बेटी, इसका नाम था मणिमेखलय और ये मणिमेखलय इस कहानी की नायिका है। शीलप्पदिकारम की कहानी में हमने देखा कि कोवलन अपने पत्नी को छोड़ एक नर्तकी के प्यार में पागल हो गया था जिसका नाम था माधवी, और मणिमेखलय उसी माधवी की बेटी थी जो कि आगे चलकर बौद्ध धर्म अपना लेती है और बौद्ध भिक्कुनी बन जाती है। मणिमेखलय बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा ब्रेव लड़की। मणिमेखलय की सुंदरता और ब्रेवरी को देख चोल राजकुमार उदय कुमार को उससे प्यार हो जाता है, और उसे पाने के लिए चोल राजकुमार उदय कुमार उसका पीछा करने लगता है। लेकिन मणिमेखलय को उसमें जरा सा भी रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो कहती है कि मैं खुद को मानवीय संबंधों से मुक्त रखना चाहती हूँ, राजकुमार तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन राजकुमार का उसके प्रति जो मोह होता है, जो प्रेम होता है, बहुत ही ज़्यादा गहरा और बहुत ही ज़्यादा सच्चा होता है। इसलिए ना चाहते हुए भी मणिमेखलय खुद को राजकुमार के प्रति आकर्षित पाती है। वो छिपती है, प्रार्थना करती है, हर हाल में राजकुमार से दूर रहना चाहती है। अपनी माँ, अपने बौद्ध शिक्षक अरवाना एडिकल और स्वर्गदूतों की मदद भी लेती है, और ये सब खुद को भय से मुक्त करने के लिए उसे बौद्ध मंत्र सिखाते हैं। एक परी उसे जादुई रूप से एक द्वीप में गायब होने में मदद करती है, जबकि राजकुमार उसका पीछा करने की कोशिश करता है, उसे रूपों को बदलने और किसी और के रूप में प्रकट होने की शक्तियां देता है। राजकुमार मणिमेखलय का पीछा करते हुए जब उस द्वीप पर पहुंच जाता है तो उसे मणिमेखलय थिवम से एक जादुई भीख का कटोरा मिलता है जो हमेशा भर जाता है। राजकुमार से पीछा छुड़ाने के लिए मणिमेखलय एक विवाहित महिला का रूप अपना लेती। उस विवाहित महिला का पति ये देखता है कि राजकुमार उसके पत्नी के प्रति आकर्षित हो गया है, तो वो उस राजकुमार को मार देता है। इस तरह वो अपनी पत्नी मणिमेखलय इन हाइडिंग की रक्षा करता है। अब उस व्यक्ति को क्या पता कि वो उसकी पत्नी ना होकर मणिमेखलय ने उसके पत्नी का रूप लिया था। राजा और रानी को अपने बेटे की मौत के बारे में पता चलता है तो वो मणिमेखलय की गिरफ्तारी का आदेश देते हैं और उसे मारने के लिए एक गार्ड की व्यवस्था करते हैं। यहीं पर देवदूत एंट्री लेते हैं और मणिमेखलय चमत्कारिक रूप से गायब हो जाती है। मणिमेखलय जरूरतमंदों की मदद करने के लिए जेल को ही धर्मशाला में बदल देती है और राजा को बुद्ध धर्म की शिक्षा देती है। इस कहानी के अंत में हम देखते हैं कि बौद्ध आचार्य कहानी के पात्रों को 4 आर्य सत्य, 12 निदान और अन्य विचारों का पाठ कराते हैं। फिर वो यानी कि मणिमेखलय चेरा साम्राज्य में देवी कनक की मंदिर जाती है, प्रार्थना करती है, विभिन्न धार्मिक विद्वानों को सुनती है और निर्वाण प्राप्त करने के लिए गंभीर आत्मनिषेध का अभ्यास करती है। दोस्तों, 5वीं-6वीं शताब्दी का ये दौर धार्मिक विचारधाराओं का दौर था। विचारधाराएं ही आगे चलकर डेवलप हुई और उन्होंने धर्म का रूप अपना लिया। आज की जो धर्म है, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो या कोई अन्य धर्म हो, ये उस वक्त की विचारधाराओं का ही आधुनिक स्वरूप है। शायद इसीलिए मणिमेखलय की कहानी में हमें बौद्ध धर्म का दर्शन देखने को मिलता है, जबकि इसके पहले की जो कहानी थी शीलप्पदिकारम, उसमें हमें हिंदू दर्शन देखने को मिलते हैं। वहाँ पर दर्शन का मतलब फिलोसॉफी से है। दोस्तों, ये थी कहानी मणिमेखलय की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और देखते रहिए नॉलेज टीवी।